Hello students, let's see this question. Here we have, there are 100 students in a hostel. Food provision for them is for 20 days. मतलब जो number of students हैं, कितने हैं बेटा 100. तो ये जो food है, वो कितने days के लिए sufficient है? 20 days के लिए, ठीक है? फिर क्या बोला है? How long will these provision last if 25 more students join. 25 लोगों ने बच्चों ने और join कर लिया. मतलब अभी जो students हैं वो कितने हो गए? 125 ना, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये कितना मिल जाएगा, हमने इसको ले लिया x, ठीक है? अब अगर हम खुद सोचें हमारे पास food उतना ही है, but अगर कम लोग खाएंगे तो ज़्यादा दिन चलेगा, ज़्यादा लोग खाएंगे तो कम दिन चलेगा. इसका मतलब ये कैसा है हमारा? Inverse प्रोपोर्शन, ठीक है? इनवर्स प्रोपोर्शन है. इट मींस x1 इनटू y1 जो होगा वो इक्वल होगा x2 इनटू y2 के. तो यहां पर जो x आ जाएगा वो क्या आएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 125. अब ये 5 से डिविजिबल है. 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. 25 100 से डिवाइड किया, 100 से डिवाइड की 100 को डिवाइड किया बेटा 25 से, 4 आया, 4 4 जा 16. अभी जो फूड बेटा चलेगा वो कितने डेज के लिए चलेगा? 16 डेज के लिए. और हम क्लियरली देख भी सकते हैं जब स्टूडेंट्स बढ़ गए बेटा तो फूड कम डेज के लिए चलेगा, ठीक है? इनवर्स प्रोपोर्शन था. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. थैंक यू.